दुर्ग पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में शातिर पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों को ठगने वाले बंटी बबली को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लाया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक पासबुक भी जब्त किया है। आरोपी पति पत्नी बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी किया करते थे। भिलाई के BSP रिटायर्ड कर्मचारी दुलार सिंह को इन्होंने 8 वर्ष पहले से अपने झांसे में लिया रखा था और धीरे धीरे अपने अकाउंट में रुपए जमा करा रहे थे। प्रार्थी इनके जाल में फंसता चला गया। लाइफ इंश्योरेंस में अधिक मैच्योरिटी की रकम के लालच में प्रार्थी ने 1.22 करोड़ रुपए निकलवा लिए। इस बीच प्रार्थी को मात्र एक बॉन्ड ही दिया गया था। अपने को ठगा महसूस होने पर जब दुलार सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज की तब दुर्ग पुलिस ने इन दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों पति पत्नी 2012 से CS इनोवेशन इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी में काम की शुरुआत की। ये लोग विभिन्न लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस प्लान किया करते थे। इसी दौरान 2013 में भिलाई निवासी दुलार सिंह से मोबाइल के माध्यम से इनका संपर्क हुआ था। इसके बाद विभिन्न कंपनियों का इंश्योरेंस दुलार सिंह के नाम पर किया गया था, जबकि कंपनी वर्ष 2016 में बंद हो चुकी थी। इसके बाद भी लगातार मई 2021 तक पहले सिंगल बीमा प्रीमियम, 2 वर्षीय निवेश प्लान, मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 1 वर्षीय निवेश प्लान और सभी निवेशों में मैच्योरिटी अमाउंट की वापसी के लिए डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के नाम पर अपने विभिन्न खातों में प्रार्थी से अलग अलग समय पर रकम जमा करवा रहे थे। आरोपी महिला ने अपने पति संदीप चौटाला के साथ मिलकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों के पास से घटना में उपयोग होने वाली मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक पासबुक, ATM कार्ड बरामद किए गए। भिलाई स्टील प्लांट के एक रिटायर्ड एम्प्लॉय ने 2013 में पहली बार उनको फ़ोन आया था कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उन्होंने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और फिर धीरे धीरे करके विश्वास में लेने के बाद 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने पैसा जमा करवाया। 8 साल का बॉन्ड पीरियड था, 2014 का 2021 में कंप्लीट हुआ। तब जो पैसा उन्होंने मांगा तो उन्होंने फ़ोन ब्लॉक कर दिया और जब इन्होंने अपने बाकी इन्वेस्टमेंट के बॉन्ड पेपर्स मांगे तो देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने आके FIR किया 2022 जनवरी में। पुलिस ने विवेचना किया, उनके कॉल डिटेल्स के आधार पर लोकेशन निकाला गया, बैंक डिटेल्स निकाले गए। पति पत्नी को उत्तम नगर दिल्ली से हमने गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफ़ी सारे कागजात, बैंक अकाउंट्स, ATMs मिले हैं। उनके प्रॉपर्टी डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, उसको कुर्की करके इनको पैसा दिलाने की कोशिश की जाएगी। उनके द्वारा और भी काफ़ी लोगों को ठगी की गई होगी, उनकी भी सूचना ली जाएगी और उनके खिलाफ जो है विधिवत कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, पूछताछ के बाद और खुलासे संभव। प्रार्थी को किस तरीके से घेर में लिया था इन लोगों ने? पहले उनको पहला बॉन्ड पेपर दिया और उन्होंने 8 साल के अंदर 4 गुना करने की बात कही थी। लालच में आके उन्होंने जो पहला इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद लगातार जो महिला थी मनीषा, उसने फ़ोन कर करके इनको विश्वास में लेके पैसा लेते गए और कहीं ना कहीं लालच में इन्होंने काफ़ी बड़ा पैसा अपना धोखाधड़ी में खो दिया। जो सर ये जो ठगी की बात सामने रही, ये एक ही व्यक्ति से 1.22 करोड़ रुपए लिए गए हैं कि और भी ऐसे व्यक्ति? एक व्यक्ति, इनसे तो 1.20 करोड़, 1.22 करोड़ टोटल लिया गया। हो सकता है और भी लोगों से इन्होंने इसी मॉडल ऑफ पेंडाई में ठगी किया था, क्योंकि घर जाने का देखा कि उन्होंने फर्जी इंश्योरेंस कंपनी का एक बोर्ड लगाया हुआ था, एजेंट लगाया हुआ था, अच्छी ऑफिस बनाई हुई। निश्चित रूप से बाकी लोगों से भी ठगी हुई होगी, इसकी पताशाजी की जा रही है।